अपने पैर की जो अड्डी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप जो कोई भी हो, खुदा करो आप कुछ हो रहा है और आप हील हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। शक्तिमान पिता के लिए जो सच में वो अंधकार की बातों को स्वर्ग से प्रकट करता है, धन्यवाद करो, ये 100% हो चुका है। इसकी इसकी एड़ी एड़ी लगती नहीं ना नीचे, इसको कैमरे में लो क्योंकि हमने इसकी गवाही दे ली है, इसको कैमरे में लो, इसको थोड़ा सा घुमाओ, इसको देखो, हाँ इसकी ऐसे रखती होगी, नहीं अभी तो लगा रही है, हाँ दर्द है पर उठाकर तुलती होगी, ये दौड़ेगी शमशान। इस सिस्टर का नाम रूबी है और जी सोया कॉलोनी के रहने वाले हैं और इनकी बेटी की गवाही जे जे बता रहे कि 25 दिसंबर में सिर्फ एक ही हफ्ता पहले जी सिस्टर और इनके हस्बैंड बाइक पर जा रहे थे और जी बेटी इनके साथ थी और सेंटर में बैठी थी और जे बता रहे कि इसका जो राइट साइड का पांव था वो बाइक के टायर में आ गया और जिसके कारण जो इसके पांव में काफ़ी चोट लगी। पहले हम इसकी पिक को देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे इसका जो पाँव था जब टायर में आ गया था, जो इसका पूरा पाँव था वो जल गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और जो बता रहे हैं कि उस समय तो इन्होंने वीडियो नहीं थी बनाई क्योंकि हालात कंडीशन कुछ ऐसी थी, क्योंकि इनका ध्यान नहीं था, सिर्फ इसका ध्यान इनका जो ध्यान था सिर्फ इसकी और था कि बस जल्दी से इसका जो पाँव है उस टायर से निकाला जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आ गया था कि जो शूज़ था वो भी पूरी तरह से जल गया था प्लस सॉक्स भी। तो पहले तो इनके जो फैमिली है उन्होंने उस अनुसार उस समय तो वीडियो नहीं थी बनाई, पर अब इन्होंने उस वीडियो को बनाया है कि जिस तरह से इस बेटी का पाँव आ गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो किसी के भी पेरेंट्स के ध्यान में नहीं आता कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए। तो पर जैसे इन्होंने बाद में इस वीडियो को बनाया, हम पहले इस वीडियो को भी देखेंगे। इस ढंग के नाल बेटी इतने सेंटर के बैठी सी और पैर यदा एकदम तो ये कि फस गया और इस तरीके बूट जोड़ा जो असी क्या मतलब इस तरीके फसया होया तो उस समय तो चलो खैर नहीं मन आया कि वीडियो बनाइए क्योंकि भी दर्द दे विच सी ते हर कोई माँ बाप समझ सकता वा कि बस यह जी चीज़ मन दे विच नहीं आती कि असी वीडियो बनाइए जो कुछ इवें करिए टाइम घुमाना कि सैकिंड तो इस तरीके दे नाल मतलब बस इवें इस तरह चक्का घूम रहा सीगा ते इहदा पैर इहदे विच फसिया पिया सीगा ते बस ना तो मतलब कुछ ज़्यादा अगे ना पिछे और ए बूट की तुसी हालत देख सकते जे कि हो गई आ और जी चीज़ छोटे छोटे मतलब शेक बने पे आ इन्हां दे अंदरों दी जाके ते बेटी दा जिहड़ा पैर सी ओह भी मतलब जल गया ते ऐ सॉक्स दा हाल देखो अंदरों की हाल बन गया ते परमेश्वर दा बड़ा वड्डा फजल अनुग्रह वा कि उहने इहनूं संभाल के रखिया और अज बिल्कुल भली चंगी आ। और जिवें कि असीं देख सिया इस वीडियो च कि जो इसका शूज ही पूरी तरह जल गया, सॉक्स भी, पर परमेश्वर ने जीवन च दो अपनी गवाहियां नूं बनाया है कि उस समय इसका जिवें इसका पाँव आ गया सी, इसका पाँव दी हड्डी टूट भी सकती थी, पाँव को भी कुछ हो सकता था, पर परमेश्वर के अनुग्रह से सिर्फ इसका पाँव जला था। और परमेश्वर ने जब इसके लिए हम सब प्रार्थना में बने रहे तो जैसे कि इनके जो पेरेंट्स हैं जब बता रहे कि जब जे 22 जनवरी की मीटिंग में प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और जैसे प्रभु के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड्स आया कि किसी के पाँव के एडी में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले हम इस वीडियो को क्लिप को देखेंगे। आपके पाँव की अपने पैर की जो अड्डी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप जो कोई भी हो, खुदा करू आप कुछ हो रहा है और आप हील हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। और जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, क्योंकि इस एक महीना हो गया था इसके पाँव में जो प्रॉब्लम थी और लगातार इसकी फैमिली पट्टी करवा रहे थे इसके लिए लगातार, क्योंकि जी अपनी एडी को
नीचे नहीं लगाती थी और बेड से भी नीचे नहीं उतरती थी, और जब भी जो चलती थी तो एडी को उठाकर ही चलती थी, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा इस बेटी को दर्द रहती थी। और पर इसकी फैमिली विश्वास में बने रहे और जैसे उन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और इस बेटी को आगे लेकर आए, अभी हम इस वीडियो को भी देखेंगे। एडी में इसके चोट लगने के कारण अभी तक जख्म सही नहीं हो रहा और सुबह से बहुत ज्यादा दर्द भी हो रही है। हम भी इसके लिए विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम उस सर्वशक्तिमान पिता के लिए जो सच में वो अंधकार की बातों को स्वर्ग से प्रकट करता है। धन्यवाद करो, ये 100% हो चुका है। इसकी इसकी एडी एडी लगती नहीं ना नीचे, इसको कैमरे में लो क्योंकि हमने इसकी गवाही देनी है। इसको कैमरे में लो, इसको थोड़ा सा घुमाओ, इसको देखो। हाँ, इसकी ऐसे रखती है ऊपर, नहीं अभी तो लगा रही है। हाँ, दर्द है पर उठाकर तुरती होगी, ये दौड़ेगी यीशु मसीह। और जैसे ही इस प्रोफेटिक वर्ड्स को इनकी फैमिली ने रिसीव किया और जो धन्यवाद करते रहे, उस दिन से इन्होंने कोई भी इसके लिए पट्टी नहीं करवाई। नहीं तो जो एक महीना हो गया था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पट्टियाँ कराई, मेडिसिन भी दे रहे थे, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जो बता रहे कि जैसे जो धन्यवाद में बने रहे, इन्होंने उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई पट्टी नहीं कराई, बस विश्वास किया। और आज जो बता रहे कि जो इसका पाँव की एडी है बिल्कुल अच्छी हो गई है, अभी जो चल फिर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बहुत गहरा जख्म था परमेश्वर ने उसको भी सुखा दिया है। और अभी हम देखेंगे कि जी पूरा दौड़ रही है। चलो असी देनी है गवाही ओदे नाम दी के यीशु मेनू चंगा करे। हालेलुया, असी देनी है गवाही ओदे नाम दी के यीशु मेनू चंगा करे। करा दिल तो तारीफ ओदे नाम दी, करा दिल तो तारीफ ओदे नाम दी के यीशु मेनू चंगा करिया। असी देनी है गवाही ओदे नाम दी के यीशु मेनू चंगा करिया। असी देनी है गवाही ओदे नाम दी के यीशु मेनू चंगा करिया। तो प्रेमी जी जे छोटी बेटी भी कुछ बोलना चाहती है, इसने घर से अपने पेरेंट्स को बोला था। अच्छा जी, ओके ठीक है। पर मैसी जी मेरा पैर ठीक हो गया था तब तक। ये स्टार्ट है, आगे जाकर तो बहुत कुछ होगा। इसी रीति से हम अगर अपने बच्चों को खुदावन की, क्योंकि छोटे बच्चे इतने लोगों के सामने बोलने में क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझे। पर अभी से हम उन्हें आदत डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? अभी से आदत डाल रहे हैं, तो आगे जाकर तो आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? बहुत इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए जो खुदावंद ने, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से उन चीजों को प्रकट करता है। कैसे इस मिनिस्ट्री में खुदावंद आपके मन की बातों के अनुसार बोल बोल कर आपको चंगा कर रहा है, ये आज ये गवाही नहीं है, सैकड़ों गवाहियां ऐसे हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? सैकड़ों गवाहियां सुनते हैं ऐसी कि उसके लिए परमेश्वर ने ऐसे मेरे मुंह से बोला, उसके लिए ऐसे बोला। समझ आ रही ना? ये इनके जो साथ नहीं, मीनू कहाँ है? मीनू नहीं आ सही? हाँ, मीनू को बुलाओ तो नहीं। हाँ, ये देखो, ये सिस्टर यहां पे सेवा करते हैं वॉलंटियर की, तो हाँ जल्दी से आओ, जल्दी से। तो मैं इस गवाही के साथ साथ आपको और भी प्रूफ देना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है। ये सिस्टर यहां पे सेवा करते हैं, इसकी भतीजी थी ना? हाँ हाँ, भतीजी थी, है ना? भतीजी थी। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ था उसे? पापा ही उधर लीवर च पस पै गई। हाँ, तो वो हॉस्पिटल में थी, उसके लीवर में पस समझते ना, जैसे रेशा वाली पस होती, उसकी हालत बहुत खराब थी। और अब रिश्तेदारी है, भतीजी है, तो ये क्या हुआ कि उस दिन
काफी टाइम हो गया ना इस बात को। हाँ जी पापा। हाँ, ये उसकी फोटो लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? फोटो लेकर आई थी कि मैं आज प्रार्थना, जब प्रार्थना होगी तो मैं मुझसे, है ना, पापा जी से प्रेयर कराऊंगी, इसके लिए फोटो पर तो क्या हो जाएगी। पर ये अभी काम इसने मुझे बताना था, इससे पहले ही खुदावंद ने उसने इस बात को मुझ पर प्रकट किया और मैंने कहा कि यहाँ पे एक सिस्टर है, उसके हाथ में फोटो है और क्या है बोलो, फोटो लेकर आई है और वो चाहती है कि परमेश्वर उसको क्या करे। और ये जब आगे आए तो मैं हैरान हो गया, मैं भी क्या हो गया। और जैसे उस दिन उसके लिए प्रेयर हुई, अगले दिन ही ना। हाँ जी पापा। नहीं पापा ही उसे दिन ही ड्रेन पै गई, उन्हें ड्रेन नहीं पैन रही, ड्रेन नहीं पड़ रही थी। और कुछ ही दिनों में क्या होगी, उपस भी खत्म होगी। हाँ जी पापा। और वो अच्छी होगी, देख लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ये छोटी बच्ची के लिए नहीं, परमेश्वर ने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया, यहाँ पे बहुत परमेश्वर हमें दे रहा है। तो इसलिए उस परमेश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जो हमारे साथ है, जोर से तारीफ कर दो, जोर से जोर से जोर से। जेड़े यसू दे लहू चे रंगे गए, ओना दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू चे रंगे गए, ओना दी गल होर हो गई। भावे कहता है जमाना जो भी कहे, 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 ओना दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए, ओना दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए, ओना दी गल होर हो गई। जेड़े यसू दे लहू च रंगे गए, ओना दी गल होर हो गई। जोर से हालेलुया बोलो।